यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया को पश्चिम, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में रूसी प्रभाव का सम्मान करना चाहिए। 2000 में सत्ता में आने के बाद पुतिन ने सोवियत संघ के टूटने को अपमानजनक माना है और इसे व्यवस्थित करने के लिए लगातार काम किया है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन को नाटो गठबंधन में नहीं शामिल किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि पूर्व सोवियत ब्लॉक देशों में सैनिकों की तैनाती के रूप में कटौती की जाए। नाटो ने पुतिन की इस मांगों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल होना किसी देश का अधिकार है, इससे रूस को कोई खतरा नहीं है। पुतिन के आलोचकों का मानना है कि पुतिन सरकार को डर नाटो का नहीं है, उन्हें डर है कि एक लोकतांत्रिक और समृद्ध यूक्रेन रूसियों को आकर्षित कर सकता है, जो रूस में पुतिन के शासन के विकल्प की पेशकश भी कर सकता है। साल 2021 में पुतिन ने यूक्रेन और बेलारूस को लेकर कहा कि रूस ने इन देशों का विभाजन आर्टिफिशियल है। 2014 से इन देशों में रूस विरोधी सरकार बैठी है, जिसे वॉशिंगटन लगातार सपोर्ट कर रहा है। रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद चिंतित है और यूक्रेन उनके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। पहले से ही कोविड, चुनाव, जलवायु आदि को लेकर बैकफुट पर बाइडेन के सामने यूक्रेन एक और चुनौती है। उन्होंने यूक्रेन की मदद करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और कूटनीति की मदद ले रहे हैं। उन्होंने रूस के खिलाफ पश्चिम के देशों को एकजुट करने की कोशिश की है। उन्होंने मॉस्को में कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो हम ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो रूस ने कभी देखे नहीं होंगे। रूस ने लगातार यूक्रेन पर हमला किया है। 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद से रूस ने यूक्रेन में रूस समर्थक यूक्रेनी अलगाववादियों को जमकर सपोर्ट किया है। इस युद्ध में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 3,000 से अधिक आम नागरिक थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।